morning, student. Today we are going to learn about punctuation. Why we use punctuation in any sentence? Because punctuation help in giving clear meaning to the sentence. They make the sentence complete. Okay. There are many types of punctuation. First is capital letter. We begin all sentences with a capital letter. हम सारे सेंटेंस को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. वी यूज अ कैपिटल लेटर टू बिगिन वर्ड विच आर द स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, डेट, मंथ, मोमेंट्स, इटीसी. वी ऑलवेज यूज द वर्ड आई इन कैपिटल. आई वर्ड को हमेशा अपन कैपिटल लेटर में यूज करेंगे, बट आई अकेला होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल, सोहन इज ए हार्ड वर्किंग बॉय. सोहन एक हार्ड वर्किंग बॉय है. हियर सोहन इज प्रॉपर नाउन. इन आवर लास्ट वीडियो वी टॉक अबाउट प्रॉपर नाउन, दैट प्रॉपर नाउन ऑलवेज रिटर्न इन कैपिटल लेटर. ओके, सो सोहन वी यूज हियर कैपिटल लेटर, क्योंकि सोहन प्रॉपर नाउन है. प्रॉपर नाउन को हमेशा अपन कैपिटल लेटर में लिखते हैं. सेकेंड, आगरा इज द प्लेस आई विजिटेड लास्ट वीक. ओके, आगरा, हियर आगरा इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज ए स्पेशल प्लेस नेम. सो आगरा कैपिटल लेटर में राइट करते हैं. और आई, आई हियर आई इज कैपिटल लेटर बिकॉज हमने अभी बात की, वी ऑलवेज यूज द वर्ड आई इन कैपिटल. अपन आई वर्ड को हमेशा कैपिटल में यूज करेंगे. थर्ड, सी विजिटेड द मार्केट ऑन संडे. अब हियर संडे, संडे क्या है, डे नेम, और डे नेम हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर. इट इज वेरी हॉट इन द मंथ ऑफ मई. लुक हियर, मई, मई इज अ नेम ऑफ मंथ, सो वी यूज कैपिटल. ओके, कैपिटल लेटर का यूज करेंगे. मई क्या होगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, क्योंकि ये मंथ नेम है. नेक्स्ट, द कुतुब मीनार इज अ वेरी टॉल बिल्डिंग. कुतुब मीनार को टॉल बिल्डिंग है. कुतुब मीनार ऑल्सो ए प्रॉपर नाउन बिकॉज इज ए मॉन्यूमेंट्स नेम. ये मॉन्यूमेंट नेम है, इसलिए क्या होगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा. आवर सेकेंड पंक्चुएशन इज द कॉमा. द यूज ऑफ कॉमा हेल्प टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड एंड. अपन कॉमा का यूज क्यों करते हैं, एंड वर्ड का बार बार रिपीटेशन होता है, इसलिए इसको कॉमा का यूज करते हैं. A comma is also used to separate words that are listed in a sentence. Comma, word में बहुत सारे sentence words, sorry, sentence में बहुत सारे word होते हैं, उनको separate करने के लिए भी use किया जाता है. जैसे for example, my mother bought salt, sugar, apple, bread and eggs from the market. In the sentence, salt, sugar, apple, bread ये बहुत सारे things हैं, और इन थिंग्स को सेपरेट करने के लिए हम अपने कॉमा का यूज किया है. और लास्ट वाले टू नाउन्स में अपन किसका यूज करेंगे, एंड का. माई मदर, सिस्टर एंड ब्रदर वेंट टू द सुपर मार्केट. ओके, वी यूज टू कॉमा टू सेपरेट टू एडजेक्टिव और सेंटेंस जॉइन बाय कंजक्शन. जैसे हमने यहाँ कंजक्शन एंड कंजक्शन का यूज किया, वैसे ही इधर भी करेंगे. कॉमा का यूज अपन टू एडजेक्टिव को सेपरेट करने के लिए भी करते हैं. सी इज स्ट्रॉन्ग हेल्दी गर्ल. अब देखिए, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग और हेल्दी दोनों क्या है, एडजेक्टिव है, बिकॉज ये इस गर्ल के बारे में अपन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये गर्ल कैसी है. तो ये दोनों वर्ड क्या होते हैं, एडजेक्टिव, और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए अपन ने कॉमा का यूज किया है. नेक्स्ट, He hit the ball well, but he got out. किसी भी कंजक्शन से पहले अपन कॉमा का यूज करते हैं. Look here, we have a new teacher. He is strict but kind. अब दोनों एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले अपन ने कॉमा और कंजक्शन दोनों का यूज किया. Our third punctuation mark is exclamation mark. An exclamation mark is used after a word or a sentence that shows feeling of surprise, happiness, sadness or excitement. Upon exclamation mark ka use kab karte hain?
जब किसी वर्ड और सेंटेंस में अपन को सरप्राइज का भाव, हैप्पीनेस, सैडनेस और एक्साइटमेंट का भाव आए एकदम. फॉर एग्जांपल, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल सनसेट. हियर दिस सेंटेंसेस शो हैप्पीनेस. हैप्पीनेस को शो कर रहा है, इसलिए अपन क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे. ओह गॉड व्हाट ए हाई बॉल. इन दिस सेंटेंस दिस सेंटेंस शो अस सैडनेस. सैडनेस शो कर रहे तो अपन क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क. ओह गॉड व्हाट ए सरप्राइज टू सी यू. सॉरी, ओह व्हाट ए सरप्राइज टू सी यू हियर. तुम्हें देख के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ. तो यहाँ क्या शो हो रहा है, सरप्राइज. तो बी यूज एक्सक्लेमेशन मार्क. आउच, एन इंसेक्ट हैज बीटन मी. यहाँ पे किस क्या शो हो रहा है, सैडनेस. तो बी यूज योर एक्सक्लेमेशन मार्क.